1930 के दशक में प्लेन बनाने की होड़ लगी थी और इस रेस में हर एक देश आगे रहना चाहता था। तभी 1932 में इटली के एक प्लेन की खबर चारों तरफ फैल गई। कार्टून के तरह दिखने वाले ये प्लेन एक नॉर्मल प्लेन के तरह ही थी, लेकिन कुछ मामलों में ये उनसे आगे थी। 1932 में इटालियन इंजीनियर लुइगी स्टीपा ने इसे डिजाइन किया। इसके फ्यूजलाज को बर्नौली के फ्लूइड मूवमेंट प्रिंसिपल के आधार पे बनाया गया। फ्यूजलाज के अंदर 120 हॉर्स पावर का डी हेविलैंड जिप्सी 3 इंजन लगा था। 1932 में ही इटालियन रॉयल एयरफोर्स ने कैप्रोनी कंपनी को इसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया। प्रोटोटाइप तैयार हुआ और उसे नाम दिया गया स्टीपा कैप्रोनी। 7 अक्टूबर 1932 को पहली उड़ान से ही इसने सबको हैरान कर दिया। ये प्लेन बाकी प्लेन्स के मुकाबले काफी शांत और स्टेबल थी, लेकिन इसके एयर फ्रेम का ड्रैग ज्यादा था तो स्पीड सिर्फ 68 किलोमीटर पर आवर की ही थी। फ्यूजलाज में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के बाद इसकी स्पीड 132 किलोमीटर पर आवर हो गई। कुछ ज्यादा खास न करने की वजह से प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, लेकिन किसी को क्या ही पता था कि यही प्लेन आगे चल के जेट इंजन की नींव रखेगी।